हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। और अभी मैं पहुंच गया हूं, सुबह के बजे हैं 6। और गाइस जो है पूरी रात जो है मैं नहीं सोया, पूरी रात जो है नींद नहीं आई बिल्कुल भी, ऐसी हो गई। अभी नींद आ रही बहुत भयंकर, लेकिन अभी नहीं सो सकता हूँ। जब पहुँच जाएंगे रूम पे उसके बाद ही सोऊंगा मैं। सो अभी मैं निकल रहा हूँ। सो गाइस जो है अभी मैं एक्सीलेटर के थ्रू जो है ऊपर जा रहा हूँ ऐसे। सुबह बहुत ही भयंकर वाली नींद आ रही है। सो सर्दी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो है स्वेटर डाल लिया है। और क्योंकि जो है प्लेटफॉर्म से जब बाहर निकलूँगा तो सर्दी ज़रूर लगेगी, तो बस अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म से बाहर। जो है मैं अभी पहुँच गया हूँ हैदराबाद। आज मैं आया हूँ हैदराबाद सिटी, यहाँ पे काम भी है और साथ में जो है ब्लॉगिंग भी हो जाएगा और इसके साथ साथ में काम भी हो जाएगा। सो मैं अभी डर सा लग रहा है नीचे, क्योंकि अभी नीचे जा रही है एक्सीलेटर से नीचे जा रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी जो है मेरे जो फ्रेंड आ गए हैं, काफ़ी दिनों बाद मिले। ऑलमोस्ट 8-10 महीने हो गए ना, 10 महीने के बाद जो है हम लोग अभी मिल रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम बचपन के दोस्त हैं। सो अभी बस इनके हाथ में है, जहाँ घुमाएंगे वही तहाँ घूमूंगा यहाँ पर। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? अच्छा हूँ बस, मजे में। आपका नाम? राजू। ओके राजू। और आप? निखिल। निखिल। सो आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखता रहता हूँ आपके बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो आपका, और आपका सपोर्ट चाहिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। सब ये देखो तेलुगु वाले बच्चे हैं। हेलो गाइस, हेलो, आप लोग कैसे हो? अच्छा हो? या वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा है। सो गाइस ये अभी हम खाने जा रहे हैं गरी, नारियल पानी लिया यहाँ पे और इतनी सारी गरी निकला है दो नारियल पानी में, और 20 रुपये का नारियल पानी दिया। वही पुणे में है वो 50-60 रुपये का देते हैं, 30 या 40, मतलब कहीं कहीं 30 रुपये में मिल जाता रोड पर 40 रुपये का, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 60 रुपये का देते हैं। बट यहाँ पे देखो सबसे अच्छा वाला और 20 रुपये का जो नारियल दिया, नारियल पानी, और उसी में इतनी सारी गरी निकली है। मैं और राजीव भाई हम दोनों लोग खाने वाले, खा कौन खा पाएगा। हाय विक्रम, कैसे हो? बढ़िया। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। आपने जो चैनल को सब्सक्राइब किया है, बस आप लोगों को ऐसी सपोर्ट चाहिए। और आप जो है सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। ओके थैंक यू सो मच। हम तोड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में आ रुके। पाव भाजू जो बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी बनाई है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो है बर्थडे हुआ है मेरे साथ। सो विश यू हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड माय डियर फ्रेंड। वैसे रात में मैंने विश कर दिया था, तो अभी कैमरे के सामने आया तो इसलिए फिर से विश किया है। और जियो हजारों साल, तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। और आया हूँ टेरिस पे और आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। सो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और अमनीश भी अभी रेडी हो रहा है, और जैसे वो रेडी हो जाएगा सो हम लोग निकलते हैं। और
मंदिर जाएंगे और उसके बाद और भी कहीं घूमने का रहेगा तो वहाँ भी हम जो है घूमकर आएंगे। और देन इवनिंग में जो है वो केक कटिंग वगैरह रहेगा। सो काफ़ी आज मस्ती होने वाली है। लोग निकलते हैं और मिलते हैं। सो गाइस जो है अभी रेडी होके हम लोग निकले हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, एक्टिवा से। और आज बिरला मंदिर जाएंगे ना। सो पहले जो है हम लोग जा रहे हैं बिरला मंदिर। करीब आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से, है ना। तो करीब आधा घंटा लगेगा यहाँ से, तो चलो पहुँचते हैं वहाँ पे। दो तीन मिनट और लगेगा तो बिरला नगर जो हम पहुंचने वाले हैं। और सो गाइस जो है अभी मैं आपको यहां से दिखाता हूं, जो यहां से पूरा हैदराबाद ये दिखता है, यहां से आप देख सकते हो पूरा जो है हैदराबाद। हुसैन सागर, हुसैन सागर ये सामने आप देख रहे हो, ये जो है हुसैन सागर बहुत ही बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ से फिर आप रंग बिरंगा आप देख सकते हो, पूरा जो है सिटी का नज़ारा सामने। सो गाइस जो है अभी हम दोनों लोग जो है बिरला मंदिर आ चुके हैं, यानी आ गए हैं बिरला मंदिर। और जो स्कूटी है वो यहाँ पार्किंग में लगा दी है और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। और काफ़ी दिनों बाद आया, एक्चुअली मैं शायद 10 साल में 10 साल पहले आए थे हम, 14 नहीं यार 9 में आए थे, 2011 में, 2011 में आया था मैं। और उसके बाद अभी आ रहा हूँ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। सो 10 साल के बाद जो है अभी मैं आया हूँ यहाँ पे। सूच कहाँ निकालना है? तो गाड़ी के पास ही रखते हैं। हाँ अच्छा है ना, डिग्गी में डाल देते क्या देखा। सो जो अभी हम लोग हमारे जो सूज हैं वो उसी में डाल देते हैं, डिग्गी में बाहर रखने से तो अच्छा है। तो अभी जो है सूज रख दिए हैं और अभी हम लोग उधर से समझ रहे हो ना। सो जो है यहाँ से जो स्टार्ट होता है बिरला मंदिर का ये, और आप देख सकते हो ब्यूटीफुल नज़ारा जो ऊपर जो है। यहाँ से हम ऐसे जाके आए दो, तो ये सामने ये दिख रहा है जो मंदिर, ये आप देख सकते हो सामने काफ़ी ऊंचा है। और हम लोग जाके आए, अंदर तो अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी और कैमरा वगैरह अंदर अलाउ नहीं है। सो मैं बाहर से जो भी है ये शूट कर रहा हूँ और यहाँ से जो है आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste. Yes. आपका नाम बता सकते हैं? मेरा नाम राजकुमार, कर्नाटक। ओके, कर्नाटक से है? हाँ, बीदर। अच्छा बीदर से हो क्या? बीदर डिस्ट्रिक्ट से? क्या बात है, मेरे साथ में आए आपके ना। ओके सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया उसके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो गाइस जो है अभी मंदिर के हमने तो दर्शन कर लिए, और जो है भाई मेरा आ रहा है देखो मस्त स्कूटी लेके। सो अभी हम लोग निकलते हैं और दूसरी जगह भी जाना है। हाय गाइस, महेश
ओके सो आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, और आज जो हम यहाँ बिरला मंदिर आए और आपने सब्सक्राइब भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम मिलते हैं और आप ब्लॉग जरूरी है आप देखना, थैंक यू सो मच। तो गाइस जो है अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। केक जो है अभी आए थे हम केक लेने और केक ले लिया है, यहाँ से निकलते हैं, केक ले लिया है और अभी यहाँ से निकलते हैं। अरे यहाँ का फेमस है ना पिस्ता, क्या है पिस्ता हब। तो दोस्तों जो है अभी ये भाई लोग मिल गए और मस्त है, चालू है, क्या खा रहे हैं? जिम भी जाना है तो जिम की तैयारी चल रही है। सो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को है सब्सक्राइब कर देना। हम 20 AM आ रहे थे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अभी ब्लॉग अभी कल आज कल आएगा। सो गर्मा गर्म जलेबी जो फेमस है यहाँ की। गाइस जो है अभी केक वगैरह लेके आ गया हूँ, हल्का फुल्का जो डेकोरेशन भी की क्योंकि बाहर थोड़ा काम भी था तो लेट हो गया। सो अभी जो टाइम हो रहा है 10:30 ऑलमोस्ट बजने वाले, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तो बलून वगैरह लाए जितना हुआ कि डेकोरेशन ये बच्ची ने किया है ना दिया ने। सो जैसा बच्चों को समझ में आया वैसे बच्चों ने खुशी ने डेकोरेशन की और जो थोड़ी बहुत मैंने भी हेल्प करा दी क्योंकि अभी बाहर से हम आए तो देखा। कटिंग वगैरह हो गया है और बहुत ही अच्छा रहा आज पूरे दिन, हमने एंजॉय किया, मंदिर भी गए घूमने और उसके बाद में जो है आगे केक वगैरह जो भी है वो भी कटिंग किया। सो गाइस जो है आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विदाउट डेली किए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके पास आएगा। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।